ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का स्वागत है। लगातार जारी है साड़ी खास कवरेज सिद्धू मूसेवाला के एक कतल में लैके की अपडेट आ रही है। तो दस रहे हैं एक अपडेट बारे तो जाणू करवा रहे हैं। इस वेल अपडेट आ रही है कि सिद्धू मूसेवाला का परिवार सिद्धू मूसेवाला के पोस्टमार्टम के लिए मन गया, राजी हो गया परिवार। जहाँ तुम्हें दस दिए सवेर तो लैके परिवार वालों मंग यही की जा रही थी कि जब तक कातलों की गिरफ्तारी नहीं होंगी, कातल सलाखों के पिछे नहीं डके जाते तद तक पोस्टमार्टम नहीं करवा दिता जाएगा। पर हुण इस वेल खबर निकल के आ रही है कि प्रशासन के समझाने बाद परिवारक मैंबर इस गल नूं राजी हो गए हैं। सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम होगा, मूसेवाला के पोस्टमार्टम के लिए परिवार राजी हो गया। जी हाँ, जनरल प्रोटोकॉल है कि जब अजिहा कोई मर्डर होंदा है तां लाश का पोस्टमार्टम करवाना लाजमी होंदा है। अस्पताल के विच मूसेवाला का पोस्टमार्टम शुरू करवा दिता गया, मूसेवाला के पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गया परिवार। जी हाँ, हुण तक तुहानूं दस्सिए मॉर्चरी के दस्सिया जा रहा है कि लाश नूं रख्या गया सी, मृतक देह नूं रख्या गया सी, पर हुण दस्सिया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के लिए परिवार राजी हो गया। उस तो बाद सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम हो रहा। हाई कोर्ट के सिटिंग जज तो जांच करवाने की मांग रखी सी परिवार ने। मुख्यमंत्री ने परिवार की मांग के उपर सहमति जताई तो हस्पताल के इस वे दसया जा रहा है सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम शुरू हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्ट हो सकेगा, होर क्लीयर हो सकेगा कि आखिरकार किनिया गोलियां सिद्धू मूसेवाला वजिया। हालांकि दस दईए कि सिद्धू मूसेवाला अस्पताल जब लिया गया तो ब्रॉड डेड डिकलेयर किया गया कि मृत अवस्था के सिद्धू मूसेवाला अस्पताल लिया गए। पर उस तो बाद जो खबरां निकल के आ रही हैं, कोई प्रत्यक्षदर्शी कहता कि 40 तो 50 राउंड फायर होए, कोई कहता 50 तो 60 राउंड फायर होए। सिद्धू मूसेवाले नूं किन्नियां गोलियां लगियां पोस्टमार्टम बाद यह साफ हो पाएगा। हालांकि एक माँ का पुत्त इस दुनिया नूं अलविदा कह चुकी है। सिद्धू मूसेवाला एक चढ़दा सितारा पंजाब की धरती के उपर कतल कर दिता गया, हुण परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गया। नवीन साडे सहयोगी इस वेले जुड़ चुके हैं इस खबर के अपडेट देने के लिए। नवीन, जानना चाहेंगे तुहाडे कोलों की कह रही है हुण पुलिस ते की कह रहा है परिवार कि पोस्टमार्टम हुण शुरू हो चुके हैं, पोस्टमार्टम के लिए राजी हो चुके हैं परिवार पूरी तरह। अमित, थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम होने के आसार ने क्योंकि कहा जा रहा है क्योंकि जो परिवारिक सदस्य है वो सिविल अस्पताल पहुंचे ने और लगातार जो डॉक्टर की टीम है वह भी मोर्ची के बाहर पहुंची है और हुणे थोड़ी देर बाद, हजे शुरू नहीं होया, थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम जोड़ा वो होगा क्योंकि डॉक्टर की टीम इतने पहुँच चुकी है और लगातार साड़ी नज़र सवेर तो ही लगातार इस खबर को लेकर लगी हुई है। साडा नवदीप है, नवदीप की लगता डॉक्टर की टीम पहुँच गई इतने और जोड़े परिवारिक मैंबर है सिद्धू मूसेवाला के कहा जा रहा है कि परिवारिक मैंबर भी इतने पहुँचे ने कि पोस्टमार्टम अच हो सकता। बिल्कुल, जिस तरह के हलचल हो रही है उस तो अंदाजा लगाया जा रहा है भी जिहड़ा पोस्टमार्टम होएगा। प्रशासन भी आ चुके हैं, वड्डी गिनती विच सिद्धू के समर्थक आ चुके हैं और डॉक्टर का जिहड़ा पैनल जिन्हें सिद्धू मूसेवाले का पोस्टमार्टम करना है वो टीम तैयार हो चुकी है और सिद्धू के जिहड़े परिवारक मैंबर ने जिहड़े वह अंदर गए हुए हैं जिहड़े कि टैक्निकली सिद्धू मूसेवाले की जिहड़ी मृतक देह है उसनू शनाख्त किया जाता है। कागजी कार्रवाई हजे शुरू हुई है, इस तो बाद डॉक्टर का पैनल अंदर जाएगा और वह पोस्टमार्टम करेगा। टीम तुसी तस्वीर में देख सकते हो भी मेडिकल की जिहड़ी टीम है वह जा रही है, हुण जल्द ही है जिहड़ा ये पोस्टमार्टम जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला दे जो पिता सी माता है वो कह रहे थे पोस्टमार्टम नहीं करवाना जब तक जिहड़े कातल है वो सलाखा के पिछे ला जाए। बिल्कुल नवीन जी, उहदे फादर ने कहा सीगा, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सी पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं और मंगा मन्नियां कही गई सी भी यह सिटिंग जज तो यदि जाँच होवे, NIA ते CBI ये इनवॉल्व करे और जो सिद्धू की सुरक्षा से कटौती की गई है जिस अधिकारी ने की है वो खिलाफ़ कार्रवाई हो मुख्यमंत्री पंजाब वालों वो सारिया मंगा प्रवान कर लिया गया। उस तो बाद परिवार है जरा सहमत हो डॉक्टर की टीम जी है वो पोस्टमार्टम कर देगी तो अंतिम संस्कार हो सकता। बिल्कुल, पोस्टमार्टम की जी कार्रवाई है वो तकरीबन अद्धा घंटे की कार्रवाई है, अद्धे घंटे बाद जरा डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करके देह नूं परिवारक मैंबरां दे हवाले कर देना है। उस तो बाद सिद्धू की मृतक देह नूं इत्थों मूसा ले आया जाएगा, मूसा घर विच दर्शन करवा के अंतिम संस्कार स्वाभाविक है भी हो जाएगा क्योंकि 4 बजे है, 5:30-6 बजे के करीब करीब अंतिम संस्कार किया जा सकता है।
डॉक्टर की टीम पता लग्या कुछ तुहानू जानकारी मिली है कि किन्नी कु डॉक्टर की टीम जिहड़ी है वह इत्थे पोस्टमार्टम दे लई आई है किन्ने कु डॉक्टर होणगे जानकारी कुछ बिल्कुल जिहड़े सूत्रां दे हवाले तो यह पता लग्या भी तीन डॉक्टरों का पैनल है जिहड़ा इस पोस्टमार्टम की टीम बनाया गया तीनों डॉक्टर तैयार ने कुछ ही मिनटां बाद है जिहड़ा पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की जाऊगी उस तो बाद पोस्टमार्टम हो जाना है। पुलिस सुरक्षा भी वधा दी है मानसा का सिविल हस्पताल के गेट के बाहर पहले गेट बंद किए हुए सी पूरा बाजार सवेर तो बंद है और लगातार बैरीकेटेड किया हुआ हूँ जिहड़ा ये पता लग रहा कि डॉक्टर की जिहड़ी टीम है वो हुणे थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम करेगी और असी कोशिश करांगे क्योंकि डॉक्टर जिहड़े ने बाहर आ रहे हैं और जिहड़े पुलिस के उच्च अधिकारी वो भी बाहर आ रहे हैं असी गल करने की पूरी कोशिश करांगे कि किन्ने बजे पोस्टमार्टम शुरू होएगा। हजे डॉक्टर की टीम अंदर गई है और तुसी देख सकते हो कि भारी इकट्ठ इत्थे मानसा के लोगों का भी है वेखण मिल रहा और एम्बूलेंस जिहड़ी है एम्बूलेंस लाई लाई जा रही है एम्बूलेंस हाँ जी बिल्कुल एम्बूलेंस लगाई जा रही है हुण जिहड़ा सिद्धू मूसेवाले की देह नूं एक्सरे भी लिया जा रहा है क्योंकि सिद्धू मूसेवाले की बॉडी च एक्सरे कीता पहला एक्सरे होएगा उस तो बाद पोस्टमार्टम की जिहड़ी कार्रवाई शुरू की जाऊगी क्योंकि एक्सरे का कारण यह है भी सिद्धू दे जिहड़े गोलियां बजियां ने एक्सरे तो बिल्कुल क्लीयर होएगा भी किन्नियां गोलियां बजियां किन्नियां गोलियां जिहड़ियां सिद्धू की बॉडी के अंदर पाईआं गईआं इसलिए पहला जिहड़ा एक्सरे किया जा रहा है। सब तो वड्डी अपडेट है पहले एक्सरे किया जाएगा एक्सरे करने वास्ते जिहड़ी सिद्धू मूसेवाले की बॉडी है वह एम्बूलेंस दे विच रखी जाएगी और एक्सरे करने तो बाद पूरी तरह एक्सरे होने तो बाद जांच होने तो बाद फिर जिहड़ा है वह पोस्टमार्टम किया जाएगा। तुसीं देख सकते हो कि एम्बूलेंस हाँ जी जिहड़ा सिद्धू मूसेवाले की मृतक देह नूं लैके आया जा रहा है एम्बूलेंस नूं तैयार किया गया हुण जिहड़ी स्टैचर व्हील चेयर लैके गए सी उस स्टैचर से सिद्धू की मृतक देह नूं लिया के एक्सरे की जिहड़ी कार्रवाई शुरू की जाऊगी। होर की जानकारी है डॉक्टर नाल तुहाडी कोई गल नहीं डॉक्टर नाल कोई गल नहीं हुई पर फिलहाल जिहड़े साढ़े सूत्र है सूत्र दस रहे हैं भी सिद्धू की मृतक देह नूं लिया के उहदे एक्सरे लई इत्थे एक्सरे मशीन बाहरली तरफ है उत्थे एक्सरे किया जाएगा। सो लोगों का अमित रोष भी वेखण नूं मिल रहा भारी गिनती दे विच जिहड़े मानसा दे इत्थे सिद्धू मूसेवाले नूं चाहण वाले लोग है वह इत्थे लगातार इकट्ठे हो रहे ने और नाल ही पुलिस की भारी सुरक्षा हेठ ये पोस्टमार्टम किया जा रहा और तुसीं देख सकते हो कि मोर्चरी दे वल एम्बूलेंस जा रही है और लगातार जिहड़े पुलिस के उच्च अधिकारी है वह मानसा सिविल हस्पताल के अंदर इकट्ठे जड़े ने और लगातार इस अधिकारी डॉक्टर की टीम जरा पैनल है तीन डॉक्टर की टीम बैठेगी और तीन डॉक्टर जड़े ने वो सिद्धू मूसेवाले की देह का जड़े परिवारिक सदस्य उस देह का अंतिम संस्कार भी करेंगे और डीआईजी गुरप्रीत सिंह गिल मौके पे तुसी देख सकते हो तस्वीर वड्डे उच्च अधिकारी मौके पे ने और लगातार मिल रही है गेट फिर एक बार बंद कर दिता सिविल हॉस्पिटल का और एम्बूलेंस जड़ी है वो मोर्ची वाल जा रही है असी ये तस्वीर तुम दिखा रहे हैं कि इधरले पासे जड़ी मोर्ची है जिधर एम्बूलेंस जा रही है और पहले ये कहा जा रहा है कि एक्सरे होएगा जी नवीन नवीन सुन पा रहे हैं तुहानू तो मुड़ के अपने सहयोगी का रुख करांगे पर फिलहाल दसिया जा रहा है कि वड्डे पुलिस ऑफिसर्स इस वेले मानसा दे इत्थे सिविल हस्पताल के बाहर पहुँचते विखाई दे रहे हैं तीन डॉक्टर की टीम का पैनल तैयार किया गया जिन्हां की निगरानी हेठ सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जी हाँ सिद्धू मूसेवाला के पोस्टमार्टम के लिए परिवार के राजी होने मगरों हुण पोस्टमार्टम दी तैयारियां कीतियां जा रही ने तीन डॉक्टर का पैनल तैयार किया गया गठित किया गया जिन्हां की निगरानी हेठ पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। किन्नियां गोलियां लगियां सिद्धू मूसेवाला
इस भी हुण जानकारी होर खुल के सामने आवेगी। हालांकि लगातार परिवारक मैंबरों वालों जी मांग की जा रही थी, एन आई ए जांच की मांग की जा रही थी, जां फिर सिटिंग जज के कोलों जांच की मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भरोसा दिता कि सिटिंग जज के कोलों जांच करवाई जाएगी इस मामले लैके। उस तो बाद परिवार राजी होया सिद्धू मूसेवाला के पोस्टमार्टम के लिए। नवीन साडे नाल लगातार जुड़े ने। नवीन, तीन डॉक्टरों का पैनल दसिया जा रहा है, वड्डे पुलिस अफसर हुण वड्डे स्टार वड्डे फीते लगे हुए पुलिस अफसर इत्थे पहुँचते विखाई दे रहे हैं। की दसिया जा रहा अपडेट चाहांगे। असी जिस तरह के नाल दस रहे हैं, जिस तरह के नाल साडे सहयोगी नवदीप आलूवालिया लगातार कल तो असी कवरेज कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के कतल पूरे मामले के विच, और लगातार हर एक सीसीटीवी फुटेज भी असी खंगाली। उस ढाबे तो सीसीटीवी फुटेज जिहड़ी सामने आई, उस तो बाद पुलिस ने ढाबे ते जाके होर उत्थे कैमरे जिहड़े लगे वह भी सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिती है, और लगातार असी तस्वीर बड़ी बड़ी प्रमुखता के नाल पीटीसी न्यूज़ से दिखा रहे हैं। और तीन डॉक्टरों की टीम जिहड़ी है वो पैनल बैठेगा ऐसे जिथे देख रहे हो बैरीकेटर लगा, पुलिस के तीन मुलाजम खड़े ने, इधर ही मोर्चरी है, और इतने ही मोर्ची तो जी हम डेड बॉडी है सिद्धू मूसेवाला की वह इतों लैके जाती गई है एक्सरे वास्ते, और एक्सरे तो बाद पोस्टमार्टम होएगा। यही यही पूरी जानकारी है नवदीप। बिल्कुल बिल्कुल, हम सिद्धू मूसेवाले की बॉडी एक्सरे रूम च लिया गया, उत्थे एक्सरे होएगा क्योंकि सिद्धू मूसेवाला से गन शॉट किया गया, तो एक्सरे में बड़ा साम साफ पता लगेगा भी वो कि गोलियां जो शरीर के अंदर बजियां ने या कि बॉडी के अंदर हैगियां, वो सारा कुछ एक्सरे तो पता लगना है। इस तो बाद सानू थोड़ी जी करैक्शन पता लगी है भी पांच डॉक्टर का पैनल है जोड़ा वह सिद्धू मूसेवाले का जो पोस्टमार्टम करेगा। पांच डॉक्टर के जो तैयार किया गया, डॉक्टर की टीम तैयार की गई है जी। एम्बुलेंस के बच्चे इतों कितनी दूर है एक्सरे जिते करा लगे? नहीं, सिविल हस्पताल के अंदर ही जो एक्सरे रूम है उतो ही जो एक्सरे किया जाएगा। सो लगातार असं तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि सिविल होस्पिटल के मानसा के बाहर दियाँ, और पुलिस जी सुरक्षा वह भी सख्त की गई है, और पहले एक्सरे होएगा, एक्सरे तो बाद फिर पोस्टमार्टम होएगा। पांच डॉक्टर की टीम दसी जा रही है, और पुलिस लगातार पूरे हस्पताल के जिन्हें भी गेट है उन्होंने बंद कर दिता गया, और एम्बुलेंस के विच सिद्धू मूसेवाला की जिहड़ी देह है उसनू एम्बुलेंस के विच रख के सिविल होस्पिटल के अंदर ही थोड़ी दूर एक्सरे मशीनां ने उत्थे एक्सरे वास्ते लैके गए। जेकर नवीन पूरे प्रोसीजर की गल की जाए की समझा जा सकता है, जेकर अज पोस्टमार्टम हो जाता है तो फिर की अंतिम संस्कार भी अज किया जाएगा? की कह रहे हैं परिवारक मैंबर या फिर की कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है कि क्रिमेशन अज किया जाएगा? बिल्कुल, जे पोस्टमार्टम जल्दी हो जाता तो क्योंकि चार बजे ने अगर मनीए तो अद्धा घंटा पौना घंटा लगेगा, तो 5:30-6 बजे तक ये तो खबर मिल रही है कि आज ही अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह के जे तो अगर इसे टाइम नाल इसे स्पीड नाल काम चलता रहा तो 5:30 बजे तो पहला जिहड़ा सिद्धू मूसेवाले की मृतक देह नूं पिंड लियाया जाएगा, उत्थे जिहड़ियां अंतिम रस्मां करन तो बाद पिंड विच संस्कार किया जा सकता है। 6:15-6 बजे तक दे आईडीए मुताबक जिहड़ा अंतिम संस्कार किया जाएगा। हुण गोलियां फायर होए ने सिद्धू मूसेवाले नूं, कई गोलियां लगियां ने, दो उन्हां दे साथी जख्मी होए ने, वह लुधियाणा के DMC हस्पताल दाखिल है। ये पूरी तरह बॉडी का एक्सरे होएगा, किन्ने गोलियां लगियां ने पूरी तरह जांचा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जिहड़ी सिद्धू मूसेवाले की फुल बॉडी का जिहड़ा एक्सरे किया जाएगा वो ही पता लगेगा भी वो किनियां गोलियां जिहड़ियां अंदर जा गोलियां बज के बाहर निकल चुकी हैं, वो सारा एक्सरे तो ज़्यादा क्लीयर होना है। उस तो बाद जिहड़ा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वो तो थोड़े टाइम की है क्योंकि विसरा रिपोर्ट ही इन्होंने कटनी है, विसरा कटना है और पैक करके चले जाना है। क्वेश्चन का आप हिस्सा समझिए क्योंकि जिहड़े पुलिस के उच्च अधिकारी है उन्हें एक्सरे देखेंगे किन्ने फायर होए ने, किनिया गोलियां वजिया ने, और किवें मौत हुई है, कितने कितने गोली लगी है, यह सारा इन्वेस्टिगेशन पूरी इस एक्सरे लैके भी पुलिस अपनी फाइल के रखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सरे के फाइल से रखे जाऊगा, और जोड़े सिद्धू मूसेवाले की बॉडी के जोड़े गन शॉट लगे हुए ज आप कह सकते हैं भी गोलियां अंदर ने उन्होंने पता लगेगा भी कि गोली क्योंकि इस हमले जोड़े
72 mm और 9 mm और 455 जिहड़े कारतूस बरामद होए ने, हुण इह पता लगेगा भी जिहड़े सिद्धू मूसेवाले दी बॉडी विच्चों किहड़े कारतूस बरामद हुंदे आ, क्योंकि खोल ज़्यादा बरामद होया है। उस ढंग नाल ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जाएगी, क्योंकि जो कल यह आरोपी फड़े जाते हैं किस कोल AK-47 सी, कि कौन 455 पिस्टल दे नाल केड़ी गन दे नाल नाल होया है, वो सारा कुछ है जिहड़ा एक्सरे तो ही क्लीयर होना है भी किहड़ियां-किहड़ियां गोलियां उहदे अंदर ने। उसे नाल ही पुलिस की इंक्वायरी है जिहड़ी जांच अगे वधूगी। अमित, टेक्निकली पूरा जांचा जाएगा, पूरी बॉडी जांची जाएगी और एक्सरे होणगे, एक्सरे तो बाद फिर पोस्टमार्टम होएगा। और जिवें नवदीप दस रहे हैं कि वह एक्सरे नूं ही देख के, उस जांच नूं ही देख के पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन अपनी अगे करेगी किहो जिहा असला सी, किहड़ी पिस्टल सी और गोली किहड़े पिस्टल तो चली, किन्ने एमएम गोली सी। और लगातार जिस तरह दे नाल हुण असीं इत्थे पूरी तरह पुलिस मुलाजमा की सख्त सुरक्षा देख रहे हैं, और सामने मोड़ सी है जिहड़ियां तुसीं तस्वीर देख रहे हो, पूरा बैरीकेड किया होया एरिया, और हुण सिविल हस्पताल दे पूरे गेटां नूं बंद कर दिता गया। और जिहड़ी एंबूलेंस असीं तुहानूं थोड़ी देर पहले दिखा रहे सी, उस एंबूलेंस विच हुण सिद्धू मूसेवाला की डेड बॉडी नूं रख के एक्सरे वास्ते ले जांदा गया, और इत्थों ही वापस एंबूलेंस आएगी एस ए मोर्ची दे विच, और उस तो बाद पोस्टमार्टम होएगा। पांच डॉक्टरों की टीम ये पोस्टमार्टम सिद्धू मूसेवाला की बॉडी का करेगी, और उस तो बाद जिन्हें भी वो चाहे एक्सरे किए गए ने, बॉडी की जाँच की गई है, वह सारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और मनिया जा रहा है कि हुणे थोड़ी देर बाद अगर 4 बजे ने तो 4:30-5 बजे तक पोस्टमार्टम हो जाए, तो उस तो बाद अंतिम संस्कार भी अज ही कर दिता जाएगा। जी अमित जी, बिल्कुल समझा जा सकता है कि हुण इस वेले पूरा प्रोसीजर फॉलो करने की कोशिश की जा रही है, पर हस्पताल के चगिरदे दे विच हैवी फोर्स की डिप्लॉयमेंट इस वेले विखाई दे रही है। नवीन, तस्वीर असीं जरूर वेखना चाहेंगे। बिल्कुल, ये तस्वीर असीं सवेर दी दिखा रहे हैं, मानसा का सिविल हस्पताल जिथे कल तो ही सिद्धू मूसेवाला की जिहड़ी देह है इस मोर्ची दे विच रखी गई सी, और हुण इत्थों जिहड़ी उन्हां दी डेड बॉडी है एक्सरे वास्ते ले जांदी गई है। और पूरे सिविल हस्पताल नूं चारों पासे गेट बंद कर दिते ने, पुलिस दे उच्च अधिकारी भी मौके ते ने, और लगातार कई थ्यूरिया ते पुलिस काम कर रही है। CCTV कैमरे की गल करिए, CCTV कैमरे की जिहड़ी फुटेज है उसनों भी खंगाल रही है, और लगातार असीं उस ढाबे ते भी गए जिस ढाबे तो CCTV कैमरे की फुटेज सामने आई सी। नवदीप, हुण पुलिस नूं किन्ने तरह की CCTV कैमरे की फुटेज मिली? एक तो जिहड़े हमलावर सी ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥੇੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਰਾਗ ਹੱਥ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਮਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਨਮੈਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਫੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਘਰ ਤੱਕ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਦੋਂ
दोपहर तक क्योंकि शाम नूं यह पूरी वारदात हुई उस वेले उन्होंने नाल सुरक्षा मुलाजम ही नहीं सी। सरकार ने उन्होंने सुरक्षा मुलाजम वापस ले ले एक लिस्ट जारी कर दी, उस दे विच सिद्धू मूसेवाले का नाम जनतक कर दिता। जिहड़े जिन्हां ने हमला किया आख रहे ने जिहड़े सिद्धू मूसेवाले के फैन वो कह रहे ने कि सरकार ने बड़ी वड्डी लापरवाही की, सुरक्षा वापस लैन तो बाद नाम जनतक किया, जिहड़े हमलावर सी वह चुकन्ने हो गए, उस तो बाद उन्होंने हमला होया। सो सरकार नू आने वाले टाइम दे विच जवाब देना पेगा। पंजाब दे डीजीपी चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर गए पर अज इन्नी सुरक्षा टाइट कर दी है कि जदों इस दुनिया दे विच सिद्धू मूसेवाला नहीं है, और अफसोस के सुरक्षा उन्होंने जान तो बाद इत्थे वेखण नू मिल रही है। उन्होंने होंदे हुए इन्नी सुरक्षा क्यों नहीं पूरे पंजाब दे विच, क्योंकि इस तो पहले कबड्डी खिडारी जड़े ने वो मारे गए कतल किए गए, उस तो बाद हुण ये सिद्धू मूसेवाला नू गोलियां मार के कतल कर दिता गया। और इस तो पहले जड़ा मोहाली दे विच अटैक होया वो इंटैलीजेंस दा जड़ा विभाग पुलिस दा उस दे उत्ते जड़ा ग्रनेड दे नाल अटैक होया वो भी कई तरह के पिछे सवाल छड़ गया, और ये सवाल उठने लाजमी है। पिछले 3 महीने तो पंजाब की जी कानून व्यवस्था असी लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, जी कानून व्यवस्था डगमगा रही है पंजाब की, और लगातार लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि वो सुरक्षित नहीं है। इन्ना बड़ा मशहूर पंजाबी गायक जिसका पूरा डंका वजदा बॉलीवुड फिल्मों तक विदेशों तक लोग इन्ना प्यार करते सिद्धू मूसेवाले नूं, पर अज अफसोस उस दुनिया में नहीं रहा क्योंकि सुरक्षा उस उन्हां दी वापस लै लिती गई। क्योंकि लोग ये सवाल चक रहे हैं, असीं लोगों नाल जदों जदों गल करते रहे, लोग सरकार के खिलाफ इत्थे सवेर तो ही प्रदर्शन कर रहे सी और यही सवाल कर रहे सी पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान दे नाल। बिल्कुल नवीन समझा जा सकता है कि सवाल सरकार के उपर ने, सरकार पुलिस की भरोसे योग्यता के उपर भी उठने लाजमी ने कि आखिरकार पंजाब कानून व्यवस्था का जो निगार वेखन मिले आखिरकार कद तक यह स्थिति एन जी